विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में बुधवार को यह आरोप लगाया था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद अग्निवीरों के परिवार को मुआवजे के मुद्दे पर संसद पर झूठ बोला है और राहुल गांधी ने इसके लिए राजनाथ सिंह से माफी की मांग की है। राहुल गांधी ने इस बात को भारतीय सेवा ने गंभीरता से लिया और सुना और खुद इसका जवाब दिया है। रसेल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें कथित तौर पर मृतक अग्निवीर के पिता ने कहा था कि राजनाथ सिंह ने दावा किया था कि शहीद अग्निवीर के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया है, लेकिन उनके परिवार को ऐसी कोई मदद नहीं मिली। इस वीडियो में राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने सदन में अपने भाषण में कहा था कि सत्य की रक्षा हर धर्म का आधार है। राहुल गांधी ने इस वीडियो में आगे कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भगवान शिव की तस्वीर के सामने देश इसके सशस्त्र बलों और अग्निवीरों के मुआवजे के बारे में झूठ बोला है। इसके बाद उन्होंने अग्निवीर शहीद के पिता अजय सिंह के बयान का हवाला दिया और कहा कि राजनाथ सिंह अपने कहे उन अनुसार काम नहीं किया। उन्होंने अग्निवीर के शहीद के परिवारों को मुआवजा या कोई मदद नहीं की। राहुल गांधी ने आगे कहा कि रक्षा मंत्री ने शहीद अजय सिंह के परिवार, सशस्त्र बलों और देश के युवाओं से झूठ बोला है और उन्हें उनसे माफी मांगनी चाहिए। अब वहीं इस मामले में भारतीय सेवा ने राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया है कि अग्निवीर अजय कुमार को मिलने वाले मुआवजे पर स्पष्टीकरण देते हुए ट्वीट किया है। भारतीय सेवा ने कहा कि कुल राशि में से अग्निवीर अजय के परिवार को पहले ही 98.39 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है और अब अग्निवीर योजना के प्रावधानों के मुताबिक 37 लाख रुपए का मुआवजा राशि और दूसरे लाभ पुलिस वेरिफिकेशन के बाद दे दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, इनकी कुल राशि लगभग 1.65 करोड़ रुपए होगी।